हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स क्लब। दोस्तों आज हमारे हाथ लगी है संजय गुप्ता जी की सर्वायुध, तो देखते हैं इसके साथ में हमें क्या मिला है। सबसे पहले हम नॉवल्टी से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बहुत प्यारा स्टैंडी है दोस्तों, शाइनिंग कर रहा है और ये इसका बेस है। खैर मैं इसको इंसर्ट नहीं करता, नहीं तो ये बाद में निकालने में दिक्कत हो जाती है। खैर फिलहाल के लिए जाने दो। तो दोस्तों इसको मैं अलग रख देता हूँ। हाँ क्वालिटी दिखा देता हूँ, वुड पे है दोस्तों, काफ़ी थिक है, काफ़ी अच्छा है। जैसे इनकी संजय जी की किताबें होती हैं वैसे ही। साइड से आर्ट वर्क कट जाए वो अलग मैटर है, बट क्वालिटी में ये करते हैं पूरा। देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं बीच में ये शाइन कर रहा है। ये जो कॉमिक्स इंडिया वालों ने ये ट्रेंड शुरू किया है ना, इसको ये पकड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छा रहता है। ये इनको ज़रूर करना चाहिए और करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 22 नंबर है और बिग साइज़ में है ये। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये मनीष जी की बुक है, मनीष जी की बुक से भी बड़ी है, देख सकते हैं आप। देखिए ठीक है, मनीष जी की बुक पे रख के दिखा देता हूँ। सॉरी ये क्योंकि बड़ी है तो छोटे वाली को ऊपर ले आता हूँ। 1 इंच का फ़र्क है दोस्तों, 1 इंच पड़ी जाएगी। खैर इसको फिलहाल साइड कर देते हैं और चलते हैं बुक की तरफ। इसका मूल्य दोस्तों 500 रुपये है। पीछे की तरफ देखिए गोजो और थ्रोव, ओ माय गॉड मैसिव दोस्तों, और शाइनिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। 500 रुपीज़ की है, वर्थ है दोस्तों, वर्थ है सीरियसली। कवर बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कवर। और अरे माय गॉड इतना थिक पेपर, बहुत ज़्यादा थिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ब्रिलियंट। देखिए क्वालिटी देखिए दोस्तों, पेपर इतना ज़्यादा थिक है, ऐसा लग रहा है कि मैंने 4-5 पेज एक साथ पकड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे गत्ते वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ा सा अगर ये और थिक होता तो ये और ये इक्वलेंट हो जाते, ये गत्ता और ये एक बराबर हो जाता। वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा थिक है। देखिए दोस्तों आर्टवर्क देखिए दोस्तों, आप में से किसी मित्र ने कहा था कि मैं पूरा ना दिखाऊं तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मारता हूँ, कोई बीच का एक पेज दिखाता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों कितना शानदार लग रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों हमारी ये सभी वीडियोस 4K में अवेलेबल है, आप 4K में इन्हांस करके देखेंगे तो आपको क्वालिटी का और अच्छे से आइडिया लगेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयरिंग ही एक मीडियम है जिसके थ्रू हमसे और ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों आर्ट वर्क देखिए, गजब। और ये बिग पे तो बहुत मैसिव लग रहा है। अभी संजय जी की कुछ बुक्स में ये इशू आया था कि साइड से आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा कटा हुआ था, ठीक है, ऊपर से कटे हुए थे, नीचे से कटे हुए थे, तो वो बहुत बकवास लग रहा था। वो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ सुधार दिया है। अभी देख सकते हैं बॉर्डर्स के साथ में है, ये ज़्यादा अच्छा है। कम से कम एटलीस्ट आर्ट वर्क हमारा लॉस नहीं हो रहा है, आर्ट वर्क लॉस होता है तो बहुत बुरा लगता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, कहानी आगे जारी है सर्व समर में। सर्व समर की एड पीछे आरण्यक पर भी एड, मैंने मारा ध्रुव को डिफरेंट टेक की ऐड, पता नहीं ये कब आएगी। आगामी सेट में लिखा तो है अग्निखंड सर्व मनोकामना सिद्धि, भूल गया राजा और सर्व मनोकामना सिद्धि तो रिलीज़ भी हो चुकी है। अग्निखंड और सर्व समर देखते हैं कब तक आती है। तुरुतलिस्म भी नहीं आई है अभी तक। चलिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, अगर आपने इसको अभी तक नहीं लिया है मेरी रिकमेंडेशंस है, आप इसको ज़रूर ले सकते हैं, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं फील करेंगे और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया। सी दोस्तों देखिए कितना ब्रिलियंट लग रहा है, तो कूडोस टू द संजय गुप्ता एंड हिज टीम, बहुत कमाल का काम किया है, ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया, हैट्स ऑफ। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहाँ क्लोज करूँगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।